श्री हरि शरणम। देवर्षि नारद जी को प्रचेताओं ने सवाल किया, तन्ना प्रद्योत याद्यात् ज्ञानं तत्वात् दर्शनं येनां जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरं। तत्वात् दर्शनं अध्यात्म ज्ञानं नः प्रद्योतय येन दुस्तरं भवसागरं अंजसा तरिष्यामः। आप परमार्थ तत्व के साक्षात्कार कराने वाला वही अध्यात्म ज्ञान पुनः हमारे हृदय में प्रकाशित कीजिएगा, जिसे हमें सहज में इस दुस्तर संसार सागर को पार कर सकूं। देवर्षि नारद उत्तर देते हैं, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः नृणांगेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वरः। येन विश्वात्मा ईश्वर हरि ही सेव्यते नृणां, तत् जन्म तानि कर्माणि तत् आयुः मनः वचः। अर्थात हे प्रचेतागण, यह लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु और मन और वचन सफल हैं जिसे सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि सेवा पा रहे हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च जतीन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युते ज्ञानम्। यथा तरोः मूल निषेचनेन तत्स्कंद भुजोपशाखा तृप्यन्ति प्राणोपहाराच्च यथा इन्द्रियाणां एव अच्युते ज्ञा सर्वार्हणम्। तरु के अर्थात पेड़ के जड़ में जल डालने से जैसे उसका सारा शाखा उपशाखा आदि परिपोषण हो जाते हैं, और भोजन के द्वारा जैसे प्राण तृप्त होता है और सारे इंद्रिया पुष्ट होते हैं, श्री भगवान श्री हरि के पूजा करने से सब देवता पूजित हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यता सुजनार्दन। सर्वभूतेषु दयया येन केन च वा संतुष्टया च सर्वेन्द्रियोपशान्त्या जनार्दन आसु तुष्यति। सारे जीवों के प्रति दया करने से जितना उपलब्ध हुआ है उसमें संतुष्ट रहने से इंद्रियों को विशेष सुख से निवृत्त करके शांत करने से भक्तवत्सल भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।